पैसा नहीं खर्चा करेंगे। वृंदावन में देखती अभी हम लोग ना गौशाला जा रहे हैं, वहीं पापा पहुंच चुके हैं, वो सुबह सुबह ही चले गए। मम्मी लोग पहुंच चुकी है बहुत सुबह, मम्मी मेरी सासू माँ ससुर जी पापा एंड हम लोग सोए हुए थे, हम लोगों ने उठा लच के जल्दी सब रेडी हो गए और हम गौशाला की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली मम्मी को गाय दान करना था, जिस गौशाला में मम्मी ने गाय को दान किया था वहाँ हम लोगों को दूध पिलाया गया, ये वो दूध का मक्खन निकाला गया था, कहीं दही भी जमा हुआ था, ये देखिए इतना सारा दही, ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इसका भी बिजनेस होता है नो डाउट। एंड हम लोगों ने मस्त 3-4 ग्लास दूध पिया एंड बहुत टेस्टी लगा था वो दूध। और यहाँ मैं गायों को थोड़ा प्यार करते हुए गाय के बछड़ों को, और बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ इतनी गाय थी ना, इतनी गाय थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत सारे गाय थे घोड़े थे, तो मैं सबका क्लिप नहीं ले पाई थी। एंड ये कितनी क्यूट है देखो, एंड सच में भगवान जी वृंदावन जाओ और गायों की सेवा ना करो तो ये थोड़ी ना चलता है। हम लोग आश्रम पहुँच चुके थे और आश्रम पहुँच के आश्रम में भी सेवा कर रहे थे। यहाँ देखिए मैं बहुत देर पहले तक मैं भी हेल्प कर रही थी, उसके बाद यहाँ मेरे ससुर जी रोटियाँ बेलते हुए और ये मेरे पति परमेश्वर ये रोटियाँ सेंकते हुए। तो जब भी कहीं भी सेवा भाव मिल जाए ना, सेवा करने का मौका मिल जाए तो कर लेना चाहिए। तो ये हम आश्रम में सेवा करते हुए बड़ा मन को बड़ा सुकून मिल रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था कि हम भी लोगों के साथ हेल्प कर रहे हैं। एंड बस वहाँ फिर हम लोगों ने कढ़ी चावल खाया एंड खाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं। ये मेरे पापा डांट रहे हैं कि देखो ये चश्मा पहन के घूमने यार, अबाउट टू गो निधि वन बस हम लोग पहुँचने वाले हैं। फोन रखना पड़ेगा, यहाँ बंदरों का बड़ा अत्याचार है। मन को तृप्त करने वाला दर्शन निधि वन का, आप भी इसका लुत्फ उठाइए, ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए। और देखो अभी एक बंदर आया और मेरा रिएक्शन देखो आप। मन को तृप्त करने वाला दर्शन था ये। और ये ना निधिवन में वो वाला स्थान है जहाँ की रास हुआ था, तो यहाँ सब अपने अपने भावनाओं में नृत्य कर रहे थे। यहाँ हम और मेरी दोनों मम्मियाँ हम लोग भी नृत्य का आनंद लेते हुए। और ये देखिए यहाँ से निकलते ना, हम सबका मन था कि मुझे गोपी सजाए दो, तो इस बच्चे को देखे मेरे को गोपी सजाया जा रहा था और मेरा भी मन था। वो बात अलग है कि बच्चे ने थोड़ा ब्लंडर कर दिया, बट स्टिल आई एम जस्ट लविंग इट माई गोपी वाला लुक। तो एंड कंटिन्यूसली मैं राधे राधे बोल रही थी, राधे राधे का जाप कर रही थी। तो बस बहुत 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 मन को तृप्त करने वाले दर्शन हुए। देखो मम्मियाँ ना मम्मियाँ ही होती हैं। एंड उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे मंदिरें घूमे, लेकिन ना मैं यहाँ आपको बताऊँगी कि आप लोग ना जब भी ऑटो वाले भैया से बात करें तो थोड़ा अच्छे से बार्गिन कर लें। ये देखिए ये कालिया नाग वाला सिनेरियो यहाँ बनाया गया है, प्रेम मंदिर हम लोग पहुँचे थे, रात को करीबन 7:15 बज रहा था, भीड़ इतना था लेकिन मन को लूटने वाला दृश्य, किस तरह से क्या ही बोलूँ, मेरे पास शायद शब्द नहीं है। ये देखिए प्रेम मंदिर का भव्य नजारा,
कैसे ये 3 दिन का वृंदावन वाला जो हमारा घूमना था ये खत्म हो गया, ये हमें समझ में ही नहीं आया। हम सभी ने, हम 6 जनों ने सबसे बढ़िया आनंद लिया है। उस जगत के नशे को हम लोगों ने ध्यान से देखा है, महसूस किया है। श्री कृष्ण के जन्मभूमि पे श्री कृष्ण को महसूस किया है। एंड वातावरण बोल लीजिए, बात विचार बोल लीजिए, रहन सहन बोलिए या खाना पीना बोलिए, सब कुछ बड़ा सात्विक था, हमें बहुत अच्छा लगा। दो हम आश्रम में रुके थे तो आश्रम का भी परिवेश हमें देखने को मिला, सब कुछ बहुत बढ़िया था। और फिर से जाने की, वहाँ पहुँचने की वो उत्साह ना मन में रह ही जाएगा कि फिर से मैं वृंदावन जाऊँ। तो वो ना मैंने जब एंटर कर रहे थे ना हम, तब वहाँ लिखा हुआ था मारो वृंदावन। तो अब ना मैं सच में बोलूँगी कि मारो वृंदावन। इतना सुंदर, इतना अपूर्व, इतनी सुंदर सुंदर मंदिरें, इतना अच्छा लोगों का व्यवहार हमें मिला है कि बस बोलिए मत। सो आशा करते हैं कि हम फिर से वृंदावन जाएंगे, वृंदावन की गलियों में फिर से घूमेंगे। एंड इस बार 3 दिन नहीं, ये शायद 30 दिन का प्रोग्राम बनाएंगे। जो ब्रज 84 यात्रा हम लोगों ने ऑटो में की, वो इस बार चल के करने की आशा लेके हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे मंदिर, बहुत सारा पिक्चर्स हम लोगों ने क्लिक किया अपने मेमोरीज में रखने के लिए कि हाँ हम भी वृंदावन गए थे और माखन चोर से मिलकर आए थे। बहुत 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 बढ़िया, बहुत दिल को सुकून देने वाला ये समय किस तरह से बीत गया पता नहीं। कल हमारी जो यात्रा जो चल रही थी ना, वो कल अब किसी और जगह प्रस्थान लेगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से वहाँ, तब तक के लिए बाय।